आज हमारा टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर। पहले हम बात करते हैं कि रीनल फेलियर क्या होता है। रीनल फेलियर, रीनल मींस रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जब वो यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रीनल फेलियर। अगर ये रीनल फेलियर बहुत अचानक हो, कुछ घंटों से कुछ दिन के अंदर अंदर डेवलप हो जाए, तो सडन जो एक फेलियर ऑफ किडनी होता है उसको हम एक्यूट रीनल फेलियर के नाम से जानते हैं। ओके, सो अ कंडीशन विच द किडनीज सडनली कैन नॉट फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड व्हेन इट डेवलप्स विद इन सम डेज और सम आवर्स और डेज, तो उसको हम कह रहे हैं एक्यूट रीनल फेलियर। एंड रीनल फेलियर हम बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक में। तो एक्यूट क्योंकि सडनली है, क्रॉनिक मतलब जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। सो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। तो एक्यूट रीनल फेलियर को हमने यहाँ पे उसके कॉजेज को तीन तरीके से बांट लिया है, रीनल स्ट्रक्चर से पहले, रीनल स्ट्रक्चर में और रीनल स्ट्रक्चर के बाद, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल के नाम से। तो प्री रीनल का मतलब है कि अगर किसी कारणवश किडनी तक ब्लड का फ्लो ही ना पहुँचे, ब्लड सप्लाई ही ना हो अगर किडनी की तरफ ब्लड का, तो उस कंडीशन को हम प्री रीनल कह रहे हैं। तो सप्लाई ना होने की वजह, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो या कोई ऐसा हेमरेजिक केस हो, एक्सटर्नल हेमरेज या इंटरनल हेमरेज जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है या फिर फ्लूइड लॉस हो रहा है, बीपी की मेडिकेशंस ले रहे हों, तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर प्रेशर प्रॉपर ना हो और ब्लड जो है वो प्रॉपरली सप्लाई ना हो पा रहा हो, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक हुआ हो तो हार्ट से कार्डियक आउटपुट नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जैसे हार्ट डिजीजेस हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जिस वजह से ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पा रहे हैं, लिवर फेलियर हो जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हों जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे किसी भी ऑर्गन की तरफ ब्लड अगर नहीं पहुंच पाए, बर्न कंडीशन हो जिसमें हेमरेज हो जाए और लॉस ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड हो जाए, या सीवियर डिहाइड्रेशन हो, क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं जाएगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम रह जाएगा क्योंकि प्लाज्मा नहीं होगा एंड ब्लड बहुत थिक होगा तो ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रा रीनल रीजंस के बारे में, कि हम किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एक्यूट फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जिसमें हम देख रहे हैं डैमेज टू द किडनी। डैमेज टू द किडनी कैन बी ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स अराउंड द किडनी या इन द किडनी, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकते हैं किडनी के आसपास, कुछ मेडिकेशंस ले रहे हों जिसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना किडनी के अंदर जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो रहे हैं, या फिर किडनी में कोई ट्यूमर हो जो ट्यूमर सेल्स ब्रेक डाउन हो गए हैं और वो क्लॉट वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से फिल्टर नहीं हो पा रहा हो। ओके, लास्ट हम बात करते हैं पोस्ट रीनल केसेस में, कि किडनी के बाद जैसे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे ब्लड कैंसर है तो ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है। ब्लड के क्लॉट्स अगर फंस रहे हैं किसी भी एरिया में तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ठीक से ब्लड का सप्लाई ना होना। सर्वाइकल कैंसर्स जैसे फीमेल में हो रहा है सर्वाइकल कैंसर्स, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जो यूरेथ्रल रीजन है, यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक है या यूरेथ्रल रीजन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से वो कैंसर जो है दैट कैन गेट ट्रांसफर्ड ट्रैवल टू दी या मेटास्टेसिस कैन बी हैपनिंग किडनी में या उसके एडजेसेंट एरियाज में। ओके, कोलोन में कैंसर हो या प्रोस्टेट जो ग्लैंड है मेल्स में उसमें कैंसर या एनलार्जमेंट या इन्फ्लेमेशन हो, तो ये चीज़ें भी एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। किडनी में स्टोन हो तो वो स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनी ठीक से फिल्टर ना कर पाएँ और दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न। एंड नर्व डैमेजेस की वजह से भी ऐसा देखा जाता है कि स्टिमुलस नहीं पास होंगे तो वो वर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे किडनी के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि यूरिनरी आउटपुट बहुत कम हो जाता है और साथ ही साथ यूरिनरी आउटपुट कम होने की वजह से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है लेग्स में, पेरीऑर्बिटल रीजन्स में, फेस में वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, फटीग या बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कन्फ्यूजन डिलीरियम वाले केसेस हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में, नॉजिया वॉमिटिंग के केसेस,
हार्ट में कंडक्शन का बिगड़ जाना जिसकी वजह से डिसअरिथमिया रहता है या एरिदमिक कंडीशंस रहते हैं, चेस्ट पेन होने के चांसेस हैं हार्ट की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से ना पहुंच पाने की वजह से, सीजर्स होने के क्योंकि नर्व कंडक्शन ठीक से ना हो पाना, हैलिटोसिस बैड ब्रेथ आना मुंह से या मेटालिक टेस्ट आना मुंह में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेटाबॉलिक कंटेंट्स हैं वो फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके की कंटेंट्स इनमें फिल हो रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरेज कर सकते हैं जिससे हमें ऑब्स्ट्रक्शंस पता चलेगा, किस लेवल में प्रॉब्लम है वो भी हमें पता चल सकता है कि प्री रीनल है, इंट्रा रीनल है या पोस्ट रीनल है। ओके, लास्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हम डायोरेटिक्स दे सकते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिंस दे सकते हैं या फिर कैल्शियम रिप्लेसमेंट थेरेपीज, ऐसे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनकी रिप्लेसमेंट थेरेपीज दे सकते हैं, कैल्शियम या फिर सोडियम जो है वो हम दे रहे हैं पोटेशियम को बाइंड करके उसको बॉडी से निकालने के लिए ताकि हाइपरकैलीमिया ना हो, हाइपरकैलीमिया की वजह से एरिथमियाज होने के और सीजर्स होने के चांसेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, इस वजह से हम ये मेडिकेशंस देते हैं। डायलिसिस कर सकते हैं ताकि किडनी अगर ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो मशीन की हेल्प से डायलिसिस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को फिल्टर करके वापस जो फिल्टर्ड ब्लड है, अच्छा जो ब्लड है उसे वापस बॉडी के अंदर एंटर करा सकते हैं। साथ ही साथ हम आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि हम डायोरेटिक्स दे रहे हैं और डायोरेटिक्स देने की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो बढ़े और कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल रखने के लिए हम आईवी फ्लूइड्स भी बैलेंस में देते रहेंगे। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने पढ़ा एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में, सडन या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विद इन आवर्स या विद इन डेज के अंदर अंदर अगर किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाती है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।